राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर में संचारी रोगों के प्रति जागरूकता अभियान का आयोजन। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय धनपुर मेरठ में ग्रामवासियों को संचारी रोगों के कारण और रोकथाम करने के विषय में जानकारी व स्वच्छता स्वास्थ्य सुरक्षा संचारी रोग से बचाव खानपान में सावधानी को ध्यान में रखते हुए रोगियों को सतर्कता बरतने के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान शिविर में निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण किया गया। बारिश व बदलते मौसम से संचारी रोगों का खतरा बढ़ रहा है। कभी बारिश तो कभी तेज धूप संक्रामक रोगों को बढ़ावा दे रही है। जनपद मेरठ में इन बीमारियों की रोकथाम के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आयुष विभाग की चिकित्साधिकारी डॉक्टर ऋतु सांगवान जनपद के शहर से लेकर गांव देहात में लोगों को रोगों के प्रति जागरूक कर रही हैं। बदलते मौसम से बढ़ा संचारी रोग का खतरा। बारिश से बदलते मौसम से संचारी रोगों का खतरा बढ़ रहा है। कभी बारिश तो कभी तेज धूप संक्रामक रोगों को बढ़ावा दे रही है। जनपद मेरठ में इन बीमारियों की रोकथाम के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आयुष विभाग के समस्त अधिकारी गण कर्मचारी गण शहर से लेकर गांव देहात में लोगों को रोगों के प्रति जागरूक करने में जुटे हुए हैं। वातावरण में नमी बढ़ने से वायरल बुखार और मच्छर जनित बीमारियां तेजी से बढ़ सकती हैं। आयुष विभाग के अधिकारियों में डॉक्टर ऋतु सांगवान चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से मौसम में होने वाले परिवर्तन से समस्त रोगों से बचा जा सकता है। वातावरण में नमी बढ़ने से वायरल बुखार और मच्छर जनित बीमारियां तेजी से बढ़ सकती हैं। संचारी रोग नियंत्रण के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। समय समय पर हाथ धोए, पानी को गड्ढों में एकत्रित नहीं होने दे, सात्विक भोजन ले। मरीजों को उपचार देने लिए आयुर्वेद पद्धति द्वारा संक्रामक रोगों से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां का वितरण किया गया। गांवों में एंटी लावा का छिड़काव होने पे विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इससे गांवों में मच्छरों को पनपने से रोका जा सके, इसके लिए ग्रामीणों को भी डॉक्टर ऋतु सांगवान ने जागरूक किया। संचारी रोगों के इस प्रकार करें बचाव। अधिक से अधिक स्वच्छ पानी का सेवन करें, धूप से बचने की कोशिश करें, साफ सफाई का अधिक से अधिक ध्यान रखें, तरल पदार्थों का सेवन अधिक करें, सात्विक भोजन का सेवन करें, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, गड्ढों में पानी को एकत्र नहीं होने दें। लोगों ने आयुर्वेद उपचार का भरपूर लाभ लिया। समस्त स्वास्थ्य टीम की सराहना की। कैसे होता है जब हमारा वो खाना जो है उस पे कोई मक्खी बैठ के कोई बीमारी फैलाती है तो वो हमारा बैक्टीरिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वायरल होता है जो हवा के द्वारा फैलता है। जैसे किसी को वो है कोल्ड है, जुकाम है और बंद एरिया में वो आदमी बैठ गया तो वो क्या होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर कैसे होगा, जैसे एक आदमी जुकाम का बैठा है और वहां पे उनकी उनको छींक आ गई तो उसके जो ड्रॉपलेट है वो सारे में फैल जाएंगे, वो जितने भी बैठे हैं उनको वो वायरस लग जाएगा। वायरल डिजीज में चाहे स्किन की डिजीज हो, खसरा है, खसरा एक ऐसी बीमारी है कि भाई एक भी हुआ तो उसने उसको सेपरेट रखा जाता है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक तो सभी को आयुर्वेद तो लेना ही लेना है लेकिन उसके साथ योग का भी। संचारी रोगों की रोकथाम और जागरूकता शिविर आज जो मेन टॉपिक है, आज जो ये शिविर लगाया गया है किसने लगाया गया, उसमें बरसात के मौसम में जो हवा के द्वारा गलत खाने के द्वारा और पानी के द्वारा जो बीमारियां होती हैं वो जो हम इस समय जैसे बुखार बहुत सारे तरह के चल रहे हैं, जो हमें मच्छर मक्खी के द्वारा जो भी संक्रमण होते हैं वो सारे संक्रमण का निवारण हम कैसे कर सकते हैं उसके विषय में बताने के लिए आज स्पेशल आप लोगों को यहाँ शिविर लगाकर आप लोग इकट्ठे हुए हैं। जो भी बीमारियां होती है उसमें सबसे पहला कारण होता है गंदगी। किसी जगह की साफ सफाई या खाने की साफ सफाई, अलग अलग तरह के बुखार होते हैं, अलग अलग तरह की जो चर्म वाली बीमारियां होती है वो होती हैं। तो जो संचारी रोग है, संचारी रोगों में जो हवा के द्वारा एक दूसरे
बीमारी लगती है वो रोग आते हैं। उसके अलावा वो रोग जो पशुओं के द्वारा और मक्खी मच्छर के द्वारा उत्पन्न होते हैं वो होते हैं जो डायरेक्टली टच ना होते इनडायरेक्टली आते हैं। जैसे एक मच्छर है उसके द्वारा डेंगू फैला और वो मच्छर जिसको भी काटता चला जाएगा वो डेंगू डिजीज फैलती चली जाएगी। तो हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, हमें कहीं भी पानी को एकत्र नहीं होने देना है, जो खाना है वो ढक के रखना है जिससे उस पर कोई भी मक्खी नहीं बैठे। जब